कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेहद गंभीर मुद्दा उठाया है और सीधे हमला किया है नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद हैं newsplatform.in के कार्यकारी संपादक सत्येंद्र रंजन और हमारी सहयोगी रितिका। जी पंकज, हैदराबाद के गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों का जिस तरीके से कल एनकाउंटर किया गया, उसके बाद से ही ये एनकाउंटर विवादों में है। इस एनकाउंटर को जितना समर्थन मिला, उतना ही इस एनकाउंटर का विरोध भी किया जा रहा है। अब इसी एनकाउंटर के मद्देनजर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA Bobde का एक बड़ा बयान आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर जो न्याय हड़बड़ी में किया जाता है वह न्याय नहीं होता, और अगर जो न्याय बदले की भावना से किया जाता है तो इस पूरे क्रम में न्याय अपना चरित्र, जस्टिस अपना कैरेक्टर खो बैठता है। तो इस पूरे माहौल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बयान कितना महत्वपूर्ण है, कितना गंभीर है, इस पर और चर्चा के लिए हम चलेंगे सत्येंद्र जी के पास। देखिए रितिका, चीफ जस्टिस ने आज जो कहा है वो एक बहुत बुनियादी बात है, और अगर हम लोग कहें तो एक बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन आज माहौल ऐसा बन गया है कि वो बात बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण महसूस हो रही है। चीफ जस्टिस ने जो ये बात कही है कि न्याय बदले की भावना से नहीं होना चाहिए, ये तो जो आधुनिक न्याय व्यवस्था है, जो इनलाइटनमेंट की संस्कृति से यूरोप में विकसित हुआ और हम लोगों ने उसे अपनाया है, उसका यह बुनियादी उसका सिद्धांत है कि जो न्याय किया जाता है उसका मकसद बदला लेना नहीं होता है, उसका मकसद समाज और जो अपराधी है उसमें सुधार की भावना को प्रेरित करना होता है। और ये एक मानव सभ्यता के जो मानव समाज है उसके धीरे धीरे सभ्य होने के क्रम में ये धारणा बनी है, ये एक विचार आया है। जो मध्ययुगीन न्याय होता था, जो बदले की भावना से, जिसमें हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख लेने की जो बात थी, उससे आगे जाकर न्याय को एक बड़े तार्किक और विवेकपूर्ण ढंग से समझने की जो कोशिश हुई उसके तहत ये न्याय की धारणा सामने आई। चीफ जस्टिस ने इसी बात पर जोर दिया है। उनकी बात का अगर हम लोग अर्थ समझना चाहें तो मतलब यह कि हमने एक आधुनिक न्याय व्यवस्था को अपनाया है इस देश में, और उसके तहत इस तरह आनंद फानंद, जिसको कि इंस्टेंट जस्टिस कहा जाता है, कि आप और वो भी न्याय कौन करेगा, क्या पुलिस करेगी? अब जो कल जो हुआ, कल जिस तरह से हैदराबाद में सुबह में उन चार आरोपियों को एनकाउंटर में मारा गया, पुलिस की कहानी चाहे उस पर जो भी हो, लेकिन एक धारणा गई कि पुलिस ने तुरंत न्याय किया है, इंस्टेंट जस्टिस किया है, उसको लेकर जिस तरह का उत्सव एक समाज के एक हिस्से में देखने को मिला, और सिर्फ समाज के हिस्से में नहीं बल्कि देश के कई बड़े राजनेताओं ने जिस तरह से उसका उस पर समर्थन किया, उस पर खुशी जताई, उससे कोई भी जो विवेकशील व्यक्ति है उसको वो चिंतित होगा। जाहिर है कि चीफ जस्टिस भी इससे चिंतित हैं, क्योंकि अगर ये प्रवृत्ति बढ़ी तो ये हमें फिर एक सभ्य से असभ्य समाज बनाने की तरफ ले जाती है। वो न्याय, कोई न्याय उससे ना तो कोई समस्या हल होती है, ना जो पीड़ित हैं या जो महिलाएं हैं जो आशंकित हैं उन्हें कोई न्याय और आश्वासन मिलता है, बल्कि समाज में एक तरह का लॉलेसनेस, एक तरह का जो कानूनहीनता की विधिहीनता की भावना या वो एक प्रैक्टिस में आती है, और जो कि बहुत ही घातक होती है जहां भी इस तरह की चीज होती है, जिसे जंगल राज या जिस तरह से बात की जाती है। तो ये कल की घटनाओं ने बहुत से लोगों को चिंतित किया है। ये संतोष की बात है कि चीफ जस्टिस ने भी इस मौके पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहने की आवश्यकता महसूस की, और उन्होंने ये बात कही है। बहुत से ऐसी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये बात कही है, बहुत से राजनेताओं ने भी विवेक के साथ बात की, लेकिन दूसरी तरफ से भी उतनी ही ज्यादा, और मीडिया ने जिस तरह से, खासकर टेलीविजन मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इसको समर्थन किया और जिस तरह का माहौल बनाया, वो समाज के लिए बहुत ही एक खतरनाक संकेत देता है। और इसलिए ये आवश्यक है कि जो चीफ जस्टिस ने कहा, इस बात को दूर दूर तक फैलाया जाए और उस पर चर्चा की जाए, उसके मतलब और महत्व को समझने की कोशिश की जाए। सत्येंद्र जी, इसी बीच राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है कि देश की सत्ता जो है फिलहाल वो एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो हिंसा का समर्थन करता है और सत्ता का विवेकहीन इस्तेमाल करता है, तो इस बयान को हम कैसे देखें? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जो कहा है जाहिर है उन्होंने शायद नाम भी लिया है, उनका निशाना प्रधानमंत्री की तरफ है। ये तो बात राहुल गांधी ने अगर कही है तो उन्होंने ये बात इस मौके पर
राजनीतिक कारणों से कही या ये बात कहने के पीछे उनकी और कोई जो समझ है, ये तो इस बारे में मेरे लिए कुछ ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन यह बात अवश्य है कि पिछले कुछ समय से ये देश में हम लोगों ने जिस तरह का माहौल देखा है, जिस तरह की मॉब लिंचिंग देखी है, और कल का भी जो माहौल था उत्सव का, एक तरह का वो एक भीड़ के न्याय मॉब लिंचिंग जैसा ही माहौल कुछ देखने को मिला, लोगों की जो प्रतिक्रिया थी जिस एक समाज के एक हिस्से की, ये अपेक्षित है कि ऐसे मौके पे जैसे कि आज चीफ जस्टिस ने अपनी बात रखी है, प्रधानमंत्री सामने आते और वो इससे असहमति जताते, वो जो जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली है, जिस संविधान की रक्षा की शपथ ली है उन्होंने, उस संविधान की जो भावना है, जो देश का कानून है, जो देश का न्याय तंत्र है, ये न्याय तंत्र जिस सिद्धांत पे टिका हुआ है, इसको इसके पक्ष में इसकी रक्षा करने और इसके खिलाफ जो जो बातें की जाती हैं उसका एक वैचारिक रूप से मुकाबला करने का संकल्प जताते, तो उससे ये एक समाज में एक अच्छा संदेश जाता और ये देश आश्वस्त होता कि देश की सत्ता ऐसे हाथों में है जो संवैधानिक भावना की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों की तरफ देश को ले जाने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन जब ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती हैं तो मायूसी होती है। उसमें एक आम नागरिक के तौर पर हम लोग भी ये महसूस करते हैं कि सरकार को जिस तरह का वैचारिक नेतृत्व देना चाहिए, मौजूदा सत्ताधारी कई बार वैसा करने में नाकाम हो रहे हैं। बाकी राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर जो कहा है उसका क्या मतलब है, ये वो बेहतर समझा पाएंगे अगर उनसे आने वाले समय में इस बारे में पूछा जाए। जी बिल्कुल, यानी जो देश का मौजूदा माहौल है उस माहौल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बयान काफी महत्वपूर्ण है, ताकि लोगों का जो भरोसा है वो न्यायिक प्रणाली में, लोकतंत्र में बना रहे। पंकज, वर्दियां कातिल बने इस मांग से हैरा नहीं हूं, पर भीड़ के जो साथ चीखे वो मेरा रहबर नहीं है। बहुत शुक्रिया ऋतिका और सत्येंद्र रंजन जी।